ओहो, तुम लोग सब आ गए हो। हाँ, हम लोग सब आ गए हैं। अब तुम तुम्हारे झोली से कहानी निकाल के हम लोगों को सुनाओ। हाँ, कान्हा बाबा के पास कहानी के सिवा और क्या है तुम लोगों को देने के लिए? फिर सुनो। एक था राजा। नहीं नहीं मामा, अब और राजा या राक्षस नहीं। क्यों, क्या हुआ? तुम जानते हो तितलियों के पास कितनी जानवरों की कहानियाँ हैं। आज हम लोगों को जानवरों की कहानी सुनानी पड़ेगी। ठीक है, वही सुनाऊंगा। लेकिन तुम लोग सब कहानी याद रखना। तो फिर सुनो। लहलू अब बड़ा हो चुका है और हमारे गांव में ठंडा का समय चल रहा था, तभी काला बुखार का भी समय चल रहा था। लोग बुखार से मरने लगे। गांव में बुखार की नाम सुनकर लोग गायब से होने लगे। लोग जब मरने लगे, उनको जलाने के लिए कोई नहीं था। गोपाल नाम का एक व्यक्ति था और उनके तीन दोस्त थे। पंडित जी की पत्नी भी काले बुखार से मर गई है। पंडित जी का पत्नी के अलावा और कोई नहीं था उनका। चलिए अब चलते हैं लेके। हाँ हाँ, चलो चलो सब। राम नाम सत्य। रखो लाश, यही पे रखो। मैं लाश के पास बैठता हूँ, लाश के मुंह में मैं ही आग दूंगा। लेकिन अचानक लालू गायब हो गया। चाचा, लालू कहाँ गया है? अभी तक वापिस नहीं आया। वो बोला था मुंह में आगुन बो देगा, डर के मारे भाग तो नहीं गया। वो तो डरपोक है ही, डर लगता है तो आग दूंगा क्यों बोला? मैं होता तो लाश छोड़ के कहीं नहीं जाता। हाँ, लाश छोड़ के जाने से क्या होता है? क्या क्या नहीं होता है तुम ये बोलो। ये शमशान है, यहाँ पे अकेला बैठने में आपको डर नहीं लगता? डर? और मुझे, अभी तक मैं 1000 लाश चला चुका हूँ। ज्यादा मत बोल, लकड़ियाँ लेके आ। बारिश में लाश भीग गया ना, इसीलिए फूल गया। लेकिन चाचा, बारिश में तो इनका कपड़ा चिपक जाता है, फूलता नहीं है। तू बहुत बुद्धिमान है, जो कर रहा है वो कर जा। चाचा चाचा, लाश हिल रहा है। तेरे जैसा डरपोक मैं कभी नहीं देखा। डरता है तो आता क्यों है यहाँ पे? हाँ, जा जा, लकड़ियाँ लेके आ, मैं चिता सजाता हूँ। लग रहा है लाश हिल रहा है, चलिए यहाँ से जल्दी। बच्चों, मेरे को डरवाते हो? जो 1000 लाश चला चुका है उसे डरवाओगे? वो देखिए फिर से हिल रहा है। हाँ हाँ, हिल रहा है, तेरे को मरेगा इसलिए। नहीं नहीं, उसे नहीं, गोपाल को मारूंगी। भागो भागो। तुम लोग डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा लालू, मुझसे मत डरो, वापिस आ जाओ। लालू की आवाज सुनकर गोपाल पानी से बाहर निकला। लालू की बातें सुनकर गोपाल आया। बारिश होने लगा, सब भाग गए, लेकिन मैं लाश छोड़कर नहीं गया। बारिश से बचने के लिए लाश के पास छुप गया। अच्छा किए थे बेटा,
बारिश से बचने के लिए अच्छा तरीका निकले थे। जाओ अभी अच्छी तरह गंगा में नहा धो के आओ। तेरे जैसे शैतान लड़का मैं कभी नहीं देखा। लेकिन कुछ भी बोलो, इतना बड़ा हिम्मत आज तक मैं किसी में भी नहीं देखा। एक लाश के अंदर रात भर छुपना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। चाचा नहा लिया हूँ, अब काम शुरू करें? नहीं बेटा, रहने दो, तुम्हारी माँ सुनेगी तो मुझसे नाराज हो जाएगी। लाश को जला के जब वो गंगा स्नान करके घर वापिस जा रहे थे तब सूर्य उदय हो रहा था।